सॉल्ट वाटर इज़ ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो नमक का पानी होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग है मूवी थ्री इडियट्स का, जहाँ पर भाई जब रेंचो की रैगिंग हो रही होती है तो वो क्या करता है कि एक तार जो है अपने सर्किट बोर्ड में कनेक्ट कर देता है, उस पर चम्मच लगा देता है, सीनियर जब आके उसके दरवाजे के ऊपर सुसु करता है तो क्या होता है कि पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो पानी उस चम्मच के ऊपर डलता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। लेकिन आज हम करेंगे इस आइडिया को रियल लाइफ में टेस्ट कि क्या वास्तव में जो नमक का पानी है वो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता है, इतना करता है कि क्या वो एक बल्ब को जला सकता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में है टेबल सोल्ट, जो कि किचन में यूज़ किया जाता है, किचन सोल्ट भी इसको बोलते हैं, और ये नॉर्मल साधारण नमक है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन यही सारा कमाल करेगा। साथ में हमारे पास में दोस्तों कि इस तरीके की एक होल्डर, जिसके अंदर हमने एक नॉर्मल बल्ब को लगा रखा है, 100 वॉट का बल्ब है, और साथ में एक वायर है, इसके जो दोनों एंड है उनको हम कनेक्ट करेंगे भाई हमारे सर्किट के अंदर। इसका जो एक एंड है वो हम सीधा पावर में कनेक्ट कर देंगे, पावर मिलेगी हमें इस बोर्ड से, इसमें जो है बिजली आ रही है, और जो दूसरा एंड है उसको हम डायरेक्टली बोर्ड में कनेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो ये बल्ब वैसे जल जाएगा। एक को कनेक्ट करेंगे, दूसरा जो है उसको कनेक्ट करेंगे हमारे गिलास के ऊपर, और जो इसका दूसरा एंड है उसको हम कनेक्ट करेंगे भाई हमारी चम्मच के ऊपर, फिर इसके अंदर सॉल्ट वाटर डाल करके पानी डालेंगे। तो भाई बल्ब का एक एंड हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारी चम्मच के ऊपर, इस तार को मैंने थोड़ा छील लिया है, और भाई जो चम्मच है वो भी लोहे की बनी होती है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो भाई यहाँ पर ये जो बल्ब है ये जलेगा। तो भाई इस गिलास को हमने अटैच कर दिया इस बांस के ऊपर, और इससे जो पानी है उसको कुछ इस तरीके से डालेंगे। यहाँ जो चम्मच है उसके अंदर ऑलरेडी सर्किट कनेक्टेड है, और ये जो है इसको मैं बाद में कनेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले भाई गिलास को भरते हैं पानी से। उस चम्मच में करंट है अभी, उसको टच नहीं करना। और भाई इसके अंदर अब हम मिक्स करेंगे नमक, इसके अंदर जो है मैं एक चम्मच, पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, 2 चम्मच, ठीक है। ये मैंने इसमें नमक डाला है, आपके सामने डाला है पानी के अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं हम। दोस्तों दूसरा जो एंड है उसको भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पावर में, और अब जो है अगर मैं इस गिलास को टच करता हूँ चम्मच के ऊपर, तो देखो बल्ब जल रहा है, बल्ब को देखो, अभी देखो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। मैं जब इस गिलास को कनेक्ट करूंगा तो बल्ब वहां पर जलेगा, देखो वो जैसा हमने सिस्टम बनाया है। यहाँ पर हो ये रहा है कि करंट जो है यहाँ से सीधा बल्ब में जा रहा है, वहां से जो दूसरा तार है वो चम्मच पे आ रहा है, यहाँ से दूसरा तार बल्ब में इसमें गिलास में जा रहा है। तो जब ये कनेक्ट होता है तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम डालेंगे भाई इसके ऊपर ये सॉल्ट वाटर, और अगर सर्किट होगा कंप्लीट तो यहाँ पर बल्ब जल जाएगा। ये वायर निकल गई, इसको फिर से लगा देते हैं इसमें, ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टच नहीं करूंगा गिलास को, बल्ब जला था मुझे दिखा है, आई डोंट नो आपको दिखा या नहीं दिखा। देखो 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 भाई साहब एकदम काम कर रहा है, मतलब जो करंट है ना वो गिरते हुए पानी में से आ रहा है, जब पानी नीचे गिर रहा है तो करंट ऊपर गिर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो थोड़ा सा पानी बचा, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो बल्ब जल रहा है, अरे वाह यार। जो नमक होता है बेसिकली उसके अंदर आयन्स होते हैं, सोडियम का और क्लोरीन का, आपको पता है NaCl से बनता है, तो क्या होता है कि वो यहाँ पर करंट को फ्लो करवाता है पानी के अंदर। तो भाई एक बार फिर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, फिर से हमने जो है इसके अंदर पानी घोल लिया है, तो अब डालते हैं बल्ब और चम्मच दोनों को, देखिएगा देखो बल्ब जलता है,
तो भाई यहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि ये जो थ्री इडियट्स का सीन था वो कहीं ना कहीं सही था, और यहाँ पर हमने सिर्फ एक या दो चम्मच इसके अंदर नमक डाला था और उसने जो है पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। लेकिन आई डोंट नो कि जो यूरिन है उसके अंदर कितना कितने आयन्स होते हैं, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ज़रूर होता है। वो कम हो ज़्यादा वो अलग बात है, आपने देखा कि नमक डाल करके एक दो चम्मच नमक में कितना ईजिली सर्किट पूरा कम्प्लीट हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि पानी गिर रहा है नीचे और वो गिरता हुआ पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।